तो गोलकुंडा डायमंड्स की फाइनेंशियल या 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है इंडिया पे जितने भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो सब लैक्स में है तो गई सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं सो डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली 55.96 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 20 तो 2022 ट्वेंटी की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर ट्वेंटी की क्वार्टर में अप्रोसीमेटली सिक्सटी करोड का इनकम तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में जा चुकी है तो अभी अगर इस कंपनी की के बारे में डिस्कस करें तो डिसंबर ट्वेंटी की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्टली फिफ्टी थ्री करोड का खर्चा किया है सेवेंटी ट्वेंटी की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली फिफ्टी टू का खर्चा किया था एंड डिसंबर की क्वार्टर में अप्रोक्सीटली सेवन पॉइंट सिक्स फाइव करोड का खर्चा इस कंपनी ने किया था तो अभी इस अभी अगर से इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 5.05 अप्रोक्सिमेटली फाइव पॉइंट थ्री थ्री परसेंट तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पॉजिटिव में निकल के आ रही है तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो क्वार्टर में कंपनी ने 2, का प्रॉफिट पोस्ट किया है अप्रोक्सिमेटली टू पॉइंट फाइव करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था, और 2021 प्रौक्ष्ट 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 की की था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव में है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है और रही बात कंपनी की EPS की, मतलब पर की तो 2022 की EPS निकल के आ रही है थ्री पॉइंट सिक्स की, 2022 की निकल के आ रही है, है 3.6 की तो कंपनी की जो ईपीएस ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में है तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिसंबर ट्वेंटी कि परसेंट ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% परसेंट ग्रोथ नेगेटिव में है तो इंटायर इंटायर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है लेकिन इंटायर ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है एंड अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा प्रायोरिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन को ही दिया जाता है एंड ऑफ दी डे तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की जो रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर की वो वीक निकल के आई है कंपनी ने वीक परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 के की क्वार्टर तो गैस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं गैस थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे सेफ